stand? The stand here. Yeah, they wanna put the photos there. Here. You can put them anywhere you like, either this one, or that one. If you want me to arrange them, I definitely can. Can you please? Yeah. Question you guys make, I'm just going to take your finger to it because
just gonna move the blue jersey ball in, and then I'll move this one more. Just give me 1 second, please. Maybe right even above? Well, I feel it needs to be here to film. So, I mean, above. But then it's cuts down, right? Yeah, no problem. Becca, can you help me really quick? Can you just help me downstairs a little bit? I'll put this right there. What is it? Someone needs me in the front. Thank you.
दादा तुम्हें समझाई क्या था कि कोई देख नहीं पाई that close.
I
church over there. So I was thinking, the church, the community, so I was thinking, we'll get the help. Are you, Omkar, to see those one meditate over the Satan? Are you, Nashurve, to see those one meditate over the Satan? Are you not sure me to see those one meditate or put it down? Oh, what's not me to see those one meditate or put it down? Are you what's not me to see those one meditate or put it down? Are you confirming to see those one meditate over this town? Are you confirming to see those one meditate over this town? Are you on the Pundrashami meditate over this town? The Pundrashami? Are you on the Pundrashami meditate over this town? Are you Om Sovistani Kushagar Prameyadite Topati Sata? Are you Om Sovistani Kushagar? Are you Om Sovistani Kushagar Prameyadite Topati Sata? Yeah,
हरिओम आदि मुख्य गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत पिंड स्थानीय प्रणय निशते में आदि चेत स्नेहम पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा श्री माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते मुख्य प्रेत मृत्यु स्थानीय शव निमित्त एस्ते पिंडो में आदि तेतो प्रतिष्ठता हरिओम आदमी गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत पिंडो परिपर्जन जन जलम ते में आदि तेतो प्रतिष्ठता मुख्य प्रेत द्वारे देश पानंद स्थानीय अतरणी निश्चित में आदि के स्थान हरिओ माधवी गोदर नमस्य पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री प्रसाद नमस्य प्रेत द्वारे देश पात्र निमित्त विष्णु देवता एस्ते पिंडो मैं आदित्य द्रौपदी हरिओम आदमी गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा जली प्रसाद नमस्ते प्रेत पात्र निमित्त पिंडो परिपत्नी जनते मैं आदित्य द्रौपदीता हम पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत चतुरी केचर नाम के स्थाने आत्मणि निशते में आदित्य तो प्रतिष्ठता अमुक प्रेत चतुष्टय केचर निमित्ते एस्ते पिंडो में आदित्य तो प्रतिष्ठता पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत केचर पिंडो परिपत्नि निशते में आदित्य तो प्रतिष्ठता हरिओम आदमी के गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते उनके प्रेत विश्राम भूत नाम पिंडो स्थाने अतरण निशते में आदित्य तो प्रतिष्ठता हम हरिओम आदमी के गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत विश्राम भूत नाम रुद्र देवते एस्ते पिंडो में आदित्य तो प्रतिष्ठता ओम आदमी गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत विश्रांति भूत नाम रुद्र देवता एस्ते पिंडो मया दीयते तो पति सता प्रेत चितायन साधक के नामक पिंड स्थानीय अतरणी निशते में आदित्य तो प्रतिष्ठा हरिओम आदमी गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत शो हस्ते चितायन साधक निमित्ते यम देवता हस्ते पिंडो में आदित्य तो प्रतिष्ठा
पिंड अष्टमी तिथि रविवार शुभ कार्य कर विशेष सरस्वती समिति पुत्र माता श्री गंगा देवी प्रसाद धनिष्ठा आदि पंचकजन्य दूरवरण आदि पंचक विधानी महम करीशे
हरि नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वेशधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वंदे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ध्यानमूर्तिं दन्द्वादीपं गगनसदृशं तत्त्वमस्यानिलक्षम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणायतं हृदयारविन्दे भवं भवानीशयितं नमामि। ॐ वासुदेवं वन्दे जगद्गुरु। ॐ श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को जय श्री राम जय श्री कृष्ण। तो आज एक माता की अंतिम यात्रा है और बड़ी प्रेम निष्ठा भावना से माता श्री को यहाँ से हमें विदा करना है परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति के लिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो पृथ्वी से बड़ी क्या होती है? पृथ्वी से बड़ी हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ का जो स्थान है वो ईश्वर गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से अपनी माँ को चरणों की सेवा करते हैं, देवता क्या भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। माँ के चरणों में कई स्वर्ग समाए हैं, उन चरणों की वंदना करनी चाहिए हमेशा और उन चरणों की सेवा करनी चाहिए। केवल माँ के चरण छूने से माँ की चरण वंदना नहीं होती है। माँ की चरण वंदना क्या होती है? माँ को दुखी ना करो, माँ के आंखों में आंसू मत आने दो, अपनी माँ से प्रेम करो, प्रेम से बातें करो, अपनी हाथों से एक कप चाय बनाकर अपनी माँ को पिला दो, से माँ की आशीर्वाद मिलती है। जब तक माँ होती है खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो उनसे, ताकि जब माँ नहीं रहे तो कोई पश्चाताप किसी को नहीं रहे। माँ के हृदय प्रेम से ही भर दो। There are so many heavens at the mother's feet. A mother has got a higher esteem than that of a saint or a god. A mother's worship is so much more than just touching her feet and getting her blessings. It's so much more than that. Talk to her, do not hurt her, talk lovingly to her, and never make her sad or unhappy. And if you did so, either unknowingly or otherwise, ask for forgiveness, mom will forgive you. क्योंकि माँ जो होती है वो क्षमा की मूर्ति होती है।
make a cup of tea, offer it to her, feed her, and above all, tell her, Mom, I love you. अगर हिंदी में बोलना शर्म आती है, माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, just three words in English, Mom, I love you, four words, Mom, I love you. Her heart will fill with joy listening to those beautiful words coming out of your mouth. क्योंकि जब आप माँ बोलते हैं, आपकी कितनी भावना उड़ाती है आपके आपके हृदय से ना. This is what a mother's worship is, so much more than just touching your feet and getting your blessings. Anything that you do for your mother, do it with love, faith, devotion, and affection. प्रेम और भक्ति से जो भी कुछ करो अपनी माँ के लिए करो, क्योंकि माँ का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं. Just remember this, that you're indebted to your mother. You'll never be able to repay her for what she has given you. She has given you your life. अपने गर्भ में 9 महीने माँ पालती है, कितना पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है, और आप छोटे बच्चे होते हैं, चाहे इतने बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आपको होता है, माँ का हृदय छलनी हो जाती है. तो उनको हृदय हमेशा प्रेम से ही भर दो. तो चलो एक माँ को आज यहाँ बड़े प्रेम और श्रद्धा से यहाँ से विदा करेंगे. अभी परवा हाथ कुछ और बातें करेंगे, फिर अंतिम यात्रा यहाँ से होगी. तो सर्वप्रथम मैं हम परिवार के सदस्य मौसा जेरी मौसा को बुलाते हैं. मौसा आप आ जाओ. नाम नहीं मालूम आपके पास? मेरा नाम नहीं मालूम. जेरी प्रसाद. जेरी प्रसाद बोलते हैं हम, बोलने में चूकेंगे नहीं, मालूम तो है आपको. एनीवे धन्यवाद. सबसे पहले तो पंडित जी का ही धन्यवाद करना है, क्योंकि ऐसे वक्त पर यही आते हैं सहयोग के, कुछ रास्ता भी दिखाने के लिए कि ये सब है क्या, जिंदगी क्या है, और जिंदगी से हट जाना वो भी क्या है. पंडित जी हैं, रिश्तेदार भी हमारे भी रिश्तेदार में आप बहुत लोगों के होंगे, लेकिन आजकल लोग इतने बदल गए हैं ना, मैंने नए लोग आ गए हैं, तो रिश्तेदारी भी पता नहीं लगता है. आप हैं वन बकासी के विलास फैमिली, धीरेन विलास शायद फैमिली को जानते होंगे, क्योंकि हम लोग सब ज़्यादातर नसूरी वाले हैं, लेकिन नसूरी वाले बहुत यहाँ भी पैदा हो गए हैं, तो वो उधर का खिस्सा बहुत नहीं जानते. चलो ये पंडित जी का थैंक यू वेरी मच पंडित जी. और आप लोग जितने आए हैं आज के यहाँ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में, और आखिरी सफ़र जो आखिरी पग बचा हुआ इसको एक तरह के गवाह करने के लिए, और इसके जड़ से क्या बोलते हैं इसको, मन भूल जाता है, लाइव स्क्रीनिंग. अच्छा लाइव स्क्रीनिंग इसको तय किया गया है. लाइव स्क्रीनिंग पूरा टोरंटो में चल रहा है. मेरा एक दो फोन आ गया वहाँ से कि वहाँ देख रहे हैं लोग, और मैं जहाँ जानते हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग है, तो हम उनको भी सबको नमस्कार कर रहे हैं अपनी तरफ से. धन्यवाद हमारे तरफ से नहीं, परिवार की तरफ से हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं इस समझ लीजिए. बहुत मैं दुख के समय नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये एक शोक का समय जरूर है, क्योंकि ये हमारा परंपरा है कि कोई अगर गुजरता है तो उसके लिए हमें शोक मनाना है, मनाना चाहिए. ये चलता चला है, एक नया रीति चला है जिसको कहते हैं कि लाइफ सेलिब्रेट करो, लेकिन ये हमारे में नहीं है. करना चाहो करो, बहुत तबलियत होता है, बदलाव आता है, ये बदल सकता है. हमारे में शोक है, घर में बैठो, खाना मत बनाओ, शोक करते हैं. तुम्हें सहयोग मिलेगा, पड़ोस वाले करेंगे, सब सहारा बनता है, लेकिन ये रीति है, ये चला आया, ये करना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है. और फिर आगे चल के हम लोग जब 12-13 रोज इस काम में लगे रहते हैं, तो कोई खास ऐसा खाना पानी भी बड़ा मध्यम साधु विचार के भोजन वगैरह कर इस प्रोग्राम में जो आप लोग सभी हिस्सा ले रहे हैं. और बात तो पंडित जी ने बताया, जेरी प्रसाद लड़के
हमारे भतीजे लगते हैं और इनके डैडी हमारे बड़े भाई रहे, और ये नातेदारी हम लोग के इंडिया से चल कल से 1924 में अप्रैल में हुआ। अगर तारीख चाहोगे तो मैं लिख कर रखा हुआ हूँ, लेकिन हम समझते हैं तारीख से क्या करेंगे ना, उतना ही काफ़ी है। उम्र में राइट इम्पोर्टेंट डेट दिस देखिए हियर नंबर वाला खेल में मेमोरी लॉस हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली शी वॉज बोर्न ऑन डिसम्बर 24th क्रिसमस ईव, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड 1924। देन वी ऑल्सो शुड मैंशन शी पास्ड अवे ऑन न्यू ईयर्स ईव, दैट्स द 31st ऑफ डिसम्बर, am I right? Yeah, the December 1924. She was born on December 20th, 1924. Okay, I got you. I thought it was 24th, but all right. December 20th, I'll check my... December 20th, 1924. So that wasn't any Christmas Eve. But New Year's Eve for sure, when she decided to leave us. And that one is okay. All right, we're not going to spend too much time on that, but that's all right too, I suppose. So this is Ganga Jali. She was, as we were being told, you know, because I wasn't there either, you know, she was much ahead of me. And in village, there was a lot of talks in those days. Ladies didn't have that much to do. She was born in Rarulegu. Father's name was, I've got it right here again. But mushkil pad jata hai is baaton ka. हमको खुद उसके माँ के नाम है इतवरिया, ये मुश्किल नाम है, हम लोग आजकल के ज़माने में ऐसे नाम नहीं रखते। और फादर के नाम दुखी था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट, हाँ दुखी। हम लिख के तो लाता है, पढ़ नहीं पाता, लेकिन ये भी ख्याल करना, दिखाने के लिए रहता है। हाँ दुखी और इतवरिया के घर पर ये पैदा हुई। इनके अपने चार भाई और छह बहने रहे, अब तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रहा हो गया। तो चलो एक अच्छा बड़ा फैमिली में इनका जन्म हुआ, और ये अगर नंबर वन नहीं रहे उस फैमिली में तो नंबर टू जरूर रहे। और बताया जाता है घर में बातें होता है बड़ों का कि बड़ी बड़ी सुघर बेबी रही, बड़ा सुघर रही, और इनके मैया बड़े खुशी में इसके नाम रखी गंगा जली। अब सोचने वाली बात है ना, गंगा जली बड़ा सुंदर नाम है, और रखने वाला का नाम है यतोरिया। ये भी एक मैसेज देता है कि इंसान में एक बच्चे को देखकर एक ज्ञान आता है कि इसको नाम भी हमें सुंदर देना चाहिए। सोची ब्यूटी शी प्रेजेंटेड है, फिर ये आते आते क्या तकलीफ उठाना पड़ता ना, ये भी उन्हें उनको जोड़ना जेड़ना पड़ा। फिर अच्छे पलवा हैं ये लोग, अच्छे खाने पीने वाले हैं, उनके बच्चों के मामा और फुआ लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं यहाँ पर, ये सब काफ़ी सयानी और ज्ञान वाले हैं। सो इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली, इट हैज गॉन एंड वी हैव गॉन थ्रू। और फिर वही रारालेमू में हमारे दादा रहे, सुदीन लोहार, वास्तव में उनका पहले पहचान दिया जाता था, उनका फैमिली थे, उनके बड़े बेटे के साथ फिर इनके शादी हुआ। तो वो सुदीन बहार के घर में तो बड़ा बड़ा खुशियाली हुआ ना, बड़ा उस जमानों में बड़ा गाना बजाना होता था, डपला वपला पीट के झाँ झाँ बजा कर दुल्हन को ले आते थे घर पे, तो बहुत दूर के आना जाना नहीं था, बस आस पड़ोस में हुए। बहुत पैदा हुई तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, आप आए तब सब शुरू हुआ वहाँ से। अगर रारालेमू से नसूरी टाउन को आओगे, ये बार कैसे आओगे, कोई बाउट अभी सॉरी कोई ब्रिज नहीं था, नन नथिंग, और बाउट का भी सुविधा नहीं था उन जमाने में। बाई बोलो बाई बेलो बोलते हैं, कनू फीजियंस बनाते हैं, नेटिव्स बनाते हैं, जानते हैं आप लोग, अपने जान भी खो दिए, एक इतिहास है।
और उस समय ये मामले में करती चली गई। ऐसा मत समझ ले ये घर में बैठी रही तो कोई मामूली इंसान रही, कोई माँ मामूली नहीं होती। आपने ये मुल्क के लिए भी एक शान का गाय बच्ची हुई, तो वो जमाना ही ऐसा था कि माएँ बहुत कुर्बानी करती थी, बस उफ नहीं करते थे। और बच्चों के भविष्य के बारे में हो वही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जमाना अलग था ना। पिता जो रहे ख्याल करना, ये 100 बरस के बाद है, तो वो लोग तो कुछ खास काम करेंगे, घोड़ा वाला जो काम रहा जानवर वाला काम वो करेंगे, बोले मैं बड़ा काम करता हूँ, और छोटा छोटा काम सब माँ ही करेंगे खेत में भी, और घर का काम तो बाप करेगा नहीं, वो तो हमारे काम स्टेटस है बिगड़ जाएगा, तो घर का बिल्कुल नहीं काम करेंगे, ना बच्चे को देखेंगे, वो जमाना था। तो माँ सब कुछ करती है तुम्हारे लिए, जो बच्चे आज हो तुम लोग, तुम एहसास नहीं होगा लेकिन एहसास करोगे तो समझोगे कि माँ ही सब कुछ करती है। रोटी बनाती होती है, तुम चिल्ला पड़ते हो तो दौड़ कर जाती है कायदे से अपने ओढ़नी संभाल के, फिर तुमको दूध भी पिला कर फिर तुमको शांति करती है। ये हुआ है, होता है, और आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते हो। लुक एट हर पास्ट एंड सी हाउ शी प्रोग्रेस्ड ना। तो जैसे मैंने बताया, फिर इनका शादी हुआ, मैंने सुदीन दादा के घर में, महेश प्रसाद इनके दूल्हा थे, बड़े भैया रहे हम लोगों का, और परिवार के मामूली लोग नहीं थे, जैसे भैया एक समझ लो कुछ बिजनेस वगैरह ये सब उनका ठीक रहा, और लड़के जब बड़े हो गए उनके भी बेटियाँ भी रहीं, और चार लड़के रहे, 1, 2, 3, 4। तो ये लोग फिर वहाँ से निकल कर ओवेरा आ गए, ओवेरा आए तो वहाँ फिर अपना बिजनेस चलाए, दुकान वगैरह चलाए, तो कोई दुख तकलीफ भी नहीं है खाने पीने का, आमदनी का ये। और तो इनको भी कोई खेलने वाला मिल गया, भाभी में भाभी आ गई, घर वालों के दुल्हन आ गई, पूरा गांव वालों के लिए दुल्हन आ गई, और वो भी दुल्हन वो रही, अब गोर भी रही, अब गुण में भी सुंदर रहे। तो ये सब खूबियाँ हैं, हम इस पर नजर नहीं डालते हैं कि हम मैया 70-13 साल 13 लड़कन पैदा कर खाली खेतों में रही है, खाली खनुए बनाते रहेगी, नहीं नहीं, इसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है परिवार में। ये हम लोग को कभी कभी सोचना चाहिए इसके बारे में, जरूर माँ को आदर करो, वो उसके संतुष्ट हो जाती है। एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि 9 महीना जब आप माँ के पेट में रहे तो जो माँ खाती थी वही तुम खाते हो, उसी से तुम बड़े हो, उसी से तुम ज्ञान बुद्धि सारा कुछ आया। ये सब आजकल मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कभी कभी हम ये समझ नहीं पा रहे कि माँ की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है, माँ इज कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन योर ओन ग्रोथ प्लस द नेशन शी इज लिविंग इन, यू आर ऑल एन एसेट टू दिस कंट्री नाउ, व्हेन यू वर इन फिजी यू आर एन एसेट टू फिजी एंड डोंट एवर थिंक एनीथिंग लेस। तो अब ये सब तुम्हारे माँ की देन है तुम्हें, और मुल्क का और सभी के लिए। तो चलो ये तो हुआ, शादी ब्याह करके आ गए ये लोग, है ना। फिर सुदीन दादा के अपने परिवार लेकर ओला चले गए, क्योंकि उनके भी परिवार बढ़ने लगे तो जगह छोटा पड़ने लगा, ओला में भी बड़े अच्छे जगह पर इनका। जब हम बोलेंगे कि सुदीन के फैमिली, तो ये भी हिस्सा है उस फैमिली के, और ये बड़े हिस्सा हैं, बड़ी बहू है घर के ना, बड़ी दुल्हन है, इसका तो मान जान बहुत है। तो ये लोग वहाँ रहते हैं, फिर लड़के लोग और जो देवर लोग वो भी बड़े हो गए, 4 ठू और आए, 3 ठू हो गए, अब सारे घर फिर छोटा पड़ी, अब ये लोग भी शादी करके आ गए, घर फिर छोटा पड़े लगा। तो जिनके समझ रहता है तो वो कहता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा अलग हो लो, यहाँ तक कब तक आएंगे एक के नो चक्कर लगाइयो। तो रमेश सर भाई जो इनके देवर हैं वो अपने फैमिली लेकर अमेरिका चले गए थे, मेरे ख्याल से वो लोग भी आज सुन रहे होंगे, हम आपको भी याद कर रहे हैं, आपकी फैमिली को भी याद कर रहे हैं।
क्योंकि आप भी शोक सहानुभूति में हैं और शोक शोक में भी हैं अभी। फिर दूसरे भाई गणेश रहे जो वहीं अपने पिता के साथ दुकानदारी करते रहे, और राम सनेह भी अपने पिता के साथ रहे और लेकिन वो अलग बिजनेस भी करने लगे, लोडी ट्रक बालू ब्लॉक ये सब में चले गए। फिर महेश भाई अपना फैमिली बटोर के पीछे पहाड़ पर जाके बड़ा जमीन खरीद लिया। अब ये मैं ये छोटे लोग नहीं है, ये तो आसामी लोग हैं, पता नहीं कितने लोग इनके जमीन में बसे हैं ये खुद नहीं जानते, लेकिन वो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई जोर नहीं कि तुम हमारे घर में हमारे जमीन में से नहीं हमारे निकलो में पोत दे हम ये दो, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं। सब लोग बड़े खुश में अपना समझ कर रहे थे, लेकिन वो सब इन्हीं का फ्री हॉल प्रॉपर्टी जिनका जिनके बारे में शायद ये कभी जिक्र नहीं करते हैं, जो अभी भी ओवेला में है जो इनके नाम पर होना चाहिए, अब बदलेगा शायद। तो दिस इज आई जस्ट टेलिंग अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड वेयर इट दिस इज ऑल ओरिजिनेटिंग। ऐसा नहीं था कि इनको कनाडा इमिग्रेट होना था किसी फाइनेंशियल लाभ के कारण, लेकिन बच्चे जब मूव हो रहे हैं तो माँ बेटों को तो भी मूव होना पड़ता है, और हमारे इनके बड़े बेटे रजेन और रजेन के दुल्हन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने फिर अपने सास ससुर को मूव होने लगा कनाडा के तरफ। जो जो आप आ सके आ गए, रमेन साहब आ गए कुकेट समय, तो इस तरह से परिवार सब तो नहीं आ पाए, तो माँ को तो अब दुख होता है लेकिन किससे बोलेगी ना, सब तो नहीं आ पाए, जो वहाँ रह गए वहीं रह गए और यहाँ वाले तो ठीक है, और जो पोर्टलैंड में भी आ गए दो, तो दो 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 बेटियाँ पोर्टलैंड में हैं वो यहाँ भी आई हैं आज। आज एक माया है ना और एक महन और महन के दुल्हन है ना, ये लोग पोर्टलैंड से आए हुए हैं। नाम लेने में मैं था झिझकता हूँ क्योंकि कहीं इधर का नाम उधर चला गया तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बात समझ लेना। परिवार परिवार ही बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ दोस्त भी आए हैं, कुछ जान पहचान के लोग आए हैं। तो अच्छा पंडित जी के तो कर लेना मंदिर में आधा घंटा इधर तो, उधर भी तो शॉर्ट हो जाता है ना, कहानी तो सुनाना पड़ेगा। 75 ईयर्स का जेनी है पंडित जी, तो कहानी तो सुनाना पड़ेगा। जरूर 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 जरूर, तो कहानी तो सुनेंगे, क्योंकि जिसके लिए आए हो उसके कहानी सुन लो, और उनको विदा करने में तो पंडित जी सहयोग देंगे ही। तो अब मैं जैसे कहा कि फिर ये लोग आ गए यहाँ, कुछ दिन बाद महेश भैया का हार्ट अटैक से अचानक में फेलिया हो गया, वो भी चले गए छोड़ के। तो अंदर अंदर मान लो दुख रहते हैं, दुख वो भी अकेली हो गई ना, एक साथी भी चला गया, बच्चे रहे सहारा रहे, बट नेवर लाइक योर पार्टनर इन लाइफ, सो यू ऑलवेज मिस दैट। सो अगेन आई वोंट कट माय स्पीच शॉर्ट बिकॉज आई फील दिस लेडी हैज बीन अ ग्रेट इंस्पायरर टू द पीपल अराउंड हिम एंड टू हर ओन चिल्ड्रन, and she's done a lot by herself. She also chose to not to be a burden on anyone of the children. She said, I will manage by myself, and that she did. एक शेर आ जाता है मनोहर राणा बोलता है कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। That is राजू के साथ इसकी माँ रहती है। अच्छा और फिर बातें तो होता रहेगा, और आप लोग भी ज़्यादा भी जानते होंगे, तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और हमें मदद करें इनका अंतिम यात्रा के लिए, और ऐसे करें कि हम ज़्यादा इमोशन ना पैदा करें, समझदारी से ज़्यादा काम लें, क्योंकि अब हम समझदार हुए, ज़िंदगी भी समझते हैं और मौत को भी समझने लगे हैं। ये तो ये दोनों होता है, एक होता है तो दूसरा होना है। तो इमोशन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि बेटियों के लिए खास करके बहुत मुश्किल पड़ता है इस समय, बट प्लीज़ हैव सम कंट्रोल, ये समझदारी रहे।
थैंक यू। किधर रखा पानी मेरा? धन्यवाद। परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, जो इतने जब से मिट्टी हुई है आप जो सहयोग प्रदान की है परिवार को, भोजन पानी चाय इत्यादि से, उसके लिए परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और गीता पाठ कल शाम से शुरू होगी क्योंकि राख हमको कल मिलेगा और उसके बाद कल से जो भोजन घर पर बनेगा वही भोजन होगा और बाहर के भोजन कल से बंद हो जाएगी। तो आप सभी से अनुग्रह करते हैं कि कल से बाहर के भोजन मत लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। द फैमिली इज थैंकिंग ऑल ऑफ यू हुएवर हैज प्रोवाइडेड यू सपोर्ट, प्रोवाइडेड देम सपोर्ट इन एनी वे ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। नाउ इफ एनीवन हैज टू लीव, अगर किसी को जाना है वो आकर शव का दर्शन कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं। इफ समबडी वांट्स टू लीव दे कैन कम एंड पे द लास्ट रिस्पेक्ट्स एंड दे कैन गो। सो नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन माइकल एंड जेडन टू कम अप हियर एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ प्रेरणा। Hi everyone, my name is Michael Prasad. I am a Dunga Jali's grandson. I want to thank you all for coming. Your attendance here speaks volumes about the impact that this wonderful woman has on us. I'm sure everyone has memories much like mine. They are good memories, something we always have to cherish. Isn't often in our lives that we come across something, someone so special that person stays with it forever. Aji was that kind of person. Aji was really, truly an icon who walked this earth for 97 years, 3 years shy of 100. That's an incredible feat on its own. She was the glue that kept the family together. She was the strength and foundation. Her place was a crossroad for families to come and visit. It bare your wish to continue to bring some food out. It didn't matter how full you were, she kept asking if you wanted more. And boy, did she ever make some good aloo gobi and bhaji. It definitely showed her level of love, warm and hospitality, quirky jokes, and my theatrics. I used to love to listen to her chuckle away. She used to love when I say arayar or hey bhagwan. That got her going. The kind of love that Aji felt for us was a love without condition. To think that someone like her felt that way about us should make us all feel more than a little good. We cannot forget that there's a part of her in each of us. Something that she gave to us and asked for nothing in return. One of my fondest memories with her as I took a trip to Oregon to my cousin Bubba's wedding with Aji and Moi Aunty in our family's 1989 Bronco 2. During the course of the trip, we shared lots of conversation. We reminisced on fond memories. She used to talk a lot about how her life was in Fiji. We finally arrived to my Bubba's cousin's house where we ran into my cousin Irene. She's quite certain she knew where the wedding venue was, so we ended up following her. Man, were we ever wrong. She took us around and around in the Ramon Maris. And she was just as lost as we were. Aji was laughing hysterically. And she was saying, Nabole, ilarkiya kahamun lingjai, which means, where is she taking us? I was stressed out. Moini Auntie was in the back seat, just shaking her head. Finally, we get to the venue super late. I never heard Aji laugh so much. It's these kind of memories that she gave to me and share with her that I'll carry for the rest of my life.
Aji, even though I can't hug and kiss you anymore, you'll always be around me in spirit and be my guardian angel for life. So for your wisdom, your courage, your patience, and your love, thank you, Aji. Thank you so much. I love you. Jai Ram. Jaden, if you could come up now, please. Hi, everyone. My name is Jaden. I am my Paraji's great-grandson. Paraji, I loved calling her Aji. Aji was a very loving and caring person. The smallest, simplest thing like a phone call or a house visit would brighten up her day. Every time I went to see Aji, she would have a smile on her face. When I would walk over to... I'm gonna miss those warm hugs. When Moini Nani called and said Aji is no more, we were left with a hole in our hearts. Heaven gained another angel. She's now above, smiling down on us with my Paraja. Aji, even though you aren't here in person, you'll always be in our hearts. I love you and I'll miss you. Thank you for being my Paraji. Rest in peace. Thank you for listening. Thank you. And now if we can call upon Nyadlin, Jackie and Rosie. On behalf of my family, I would like to begin by thanking everyone that is here today and for those who have sent their condolences. We have received countless phone calls, flowers, meals, visits, thoughts, and prayers. They have been both the number of breaths you take, but of the moments that take your breath away. On this day, I am proud to say that our grandmother had both of that in her 97 years of existence. She was one of the few people who I know who had a truly good life. Hers was the voice that never failed to give us the comfort we needed as well as the best of advice. A woman of principle and courage, our Aji was always firm for what she believed in. And it is from her that we have learned to stay strong. But Aji was more than just a strong figure. She was also a woman of gentle smiles and a soothing, although shaky voice. I remember how she used to smile a lot in response to different statements, for she was not a person of many words, yet she found a way to make you feel loved. In preparation of this eulogy, we reached out and asked family members, what are three words that you would use to describe Aji? Their response, while simple, began to paint a detailed portrait of the woman we all knew and loved. She was described as considerate, loving, selfless, nurturing, thoughtful, caring, and always compassionate. Aji was unbelievably compassionate. Her heart and her generosity knew no bounds. Her door was always open, literally. She rarely locked it. You could just walk in, and people often did. Neighbors, friends, immediate family, and relatives all knew they had a place to stay for a few minutes, a few hours, or a few days to enjoy her hospitality and her generosity. The kind of love our Aji felt for us was a love without condition. She may not have approved of everything we did, may not have liked some of the decisions we made, but she didn't lecture, she didn't judge. She just kept loving us, letting us know that she was there, and if we ever needed her, we could count on her to listen, to comfort, to help. Her generosity matched like no other. Even though all her suffering during her last days, she never failed to look out for her loved ones. She lived a simple life. It didn't take much to make her happy. A phone call, a card, a visit, or a simple hug, she gave the best hugs. We were the most important people in the world to her. She lived to make our lives better and was proud of us. Many people live an entire lifetime,
without experiencing that type of love and wisdom. And through the love and wisdom she has given us, there will always be a part of her in each of us. What we inherited from her cannot be damaged, destroyed, or lost. It is permanent, and it keeps her from becoming just a wonderful memory. It allows her in so many ways to remain just as alive as always, alive through us. There have been and will be times in our lives when situations arise where we'll want so much to talk to her, be with her, or ask her just what we should do. I hope that when those times come, we can begin to look to each other and find that part of her that she gave to each of us. Maybe we can learn to lean on each other and rely on each other the way we always knew that we could with her. Maybe then she won't seem quite so far away, thankful for doing someone as remarkable as her. Aji, we want to thank you for everything you have done for all of us near or far. A mother of 13, a grandmother, a great-grandmother, a sister, and aunt, you created a relationship and a bond with each and every one of us. Your age, your health, or your distance never stopped you from being there when we needed you the most. We will miss you in everything we do, but we find comfort in knowing you have been reunited with your husband, children, and grandchildren. We can only hope to keep your memory alive by sharing experiences and beautiful memories. Those who spoke on behalf of the family, very beautiful, thank you. And like I said at the beginning, we're going to try to send her off very beautifully and with lots of love and respect. So, Mrityu kya hai? Kya aap bhi Mrityu se darte hain? Are you afraid of dying? Mrityu aur uske bhai hamesha jeev ko satata rehta hai. Death and the fear of dying has always played on our minds. We are afraid of that. Aakhir mrityu kya hai? What is death? Mrityu to keval atma ko sharir se badalne ka ek parikriya. Death is just the soul moving on from one body to another. Manushya ka iska bhay laga rehta hai. We are afraid of passing away. We are afraid of dying. इस मोह माया भरे संसार में केवल मृत्यु ही एक वस्तु है जो कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है. बाकी सब कुछ हम ग्रहण करना चाहते हैं, मृत्यु को नहीं. इन दिस इल्यूजनरी वर्ल्ड द ओनली थिंग दैट वी डू नॉट वांट टू अटेन इज डेथ. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी वांट. फिर भी मृत्यु तो अटल है. डेथ इज सर्टन. वी कैन नॉट, नो वन कैन एस्केप इट. मृत्यु से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पे या कहीं हमारे समाज में लोग आमतौर पर मृत्यु की चर्चा नहीं करते हैं. इसकी चर्चा केवल संत, महात्मा, तत्वदर्शी और बैरागी तथा बुद्धिजीवी लोग, जीवी लोग करते हैं. द रीजन दैट वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ इज दैट बिकॉज जनरली वी डू नॉट टॉक अबाउट डेथ इन आवर सोसाइटी. It's taboo that we don't want to talk about it. The ones that talk about death are the saints, the ones without any attachments, and are to the material world and the intellectual ones. हम मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं कि हम इस संसार में भौतिक सुखों, स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच में डूब जाते हैं. We are also afraid of death because we are in this materialistic world. Our selfish, jealousness, greedy, we are filled with all these qualities. Bhagavan Krishna kehte hain Arjun se ki jo janam leta hai uski mrityu to nishchit hai aur mrityu ke baad janam lena bhi avashya hota hai. Janam avashya hota hai. Lord Krishna says to Arjun that death is certain for the one who is born and then there is a rebirth.
जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, ऐसा या कुदरती ही व्यवस्था है। इसके लिए तेरा शोक करना उचित नहीं है अर्जुन। आत्मा शरीर का संबंध जब खत्म हो जाता है तब हमारी मृत्यु हो जाती है। डेथ इज द सीजेशन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। आत्मा अमर है अर्थात इसकी मृत्यु नहीं होती है, तो इसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, वो तो नाशवान है, उसका नाश कभी ना कभी तो अवश्य ही होगा, वह निश्चित है, उसका शोक करना व्यर्थ है अर्जुन। इसी सत्य को जान लेने से, आत्मा और शरीर के भेद को जान लेने से मृत्यु का भय जाता रहता है। When we understand the truth about our body and our soul, that our body is destructible and that our soul is eternal, our soul never dies, our body is perishable, we will understand death and we will not fear it. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ पर आए हुए माता की अंत्येष्टि अंतिम यात्रा के लिए, एंड ones who are watching our live stream all over the world, thank you very much. और इसके बाद जैसे मैं कल कहा था कि तपा कल शाम से शुरू होगी, एंड एवरी नाइट विल ट्राई टू स्टार्ट बाय 7 o'clock. And once again, thank you everyone for providing family with support so far. And from tomorrow, there will be no outside food. And there's reasons for this, which I will be explaining throughout the 13 days when I get a chance, of some of the rituals that we do. That why do we do this? Na, हम ये करते हैं तो किसी से पूछो क्यों करते हैं तो नहीं, हम की परंपरा है, चलता है, हमें चलते करते रहेगा ना। But anything we do in Hinduism, any rituals that we do, there's a reason behind it. जैसे हम सोना क्यों रखते हैं, काला तिल क्यों रखते हैं, कुश ग्रास क्यों रखते हैं, I will explain all of that during that 12 nights. तो चलो, जो जो खड़े होने की योग है, whoever is able to stand up, if I may ask them to stand up, अंतिम प्रार्थना के लिए, उसके बाद फिर शो का दर्शन होगा। And the ones who are not able to stand up, जो खड़े नहीं हो सकते आप बैठे रहिए। सभी अपना हाथ जोड़ लेते हैं। हरि ओम श्री महागणाधिपते नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रिशंकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्वर्णमालिकल्लालनीचारगंगा लसद्बालबालेन्द्रकंठे भुजंगं चलत कुंडलम शुभ्र नेत्र विशालम। प्रियम शंकर प्रकाश कोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेहं भव कल्याण कल्पांतकारी चिदानंद प्रभो मंदं कीश शंभुं। ॐ त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवा वंदनामहे सुगंधि त्र्यंबिकं शांतिः। Now we're going to start the viewing.
ceremonial, and then we will do the final giving of our diplomas. Okay. And I'll have विशुवासते प्रशिषं कस्मैवायोनिषत् वै त्वय कैराजतुष्पदः Thank you.
Oh, yeah.
So family, before we make our way, because of course this is your grandmother, your loved one, I invite all the immediate family to come close and we'll close our casket together. Okay? So just come step closer. In our vehicle, okay? So we don't need to leave. I just ask everyone to take one big step back so I can bring out her casket. I'm just gonna stop and I'm gonna open the doors, okay? Men and women can put their hands. When we get close to the car, then I'll get the men's help only. Okay? Yep, we can put a hand on top. Everyone just follow me. I'm just gonna lift her casket here so she goes safe over the lift, okay? And we're just gonna go nice and slow over that lift there, okay? Perfect, thanks guys. Alrighty, so we'll pause right about here, gentlemen, okay? Now on the count of three, I'm gonna ask you guys to grab a handle. I'm gonna
pull the trolley from underneath this side, okay? So just watch your feet. We're gonna pick her casket up. You two gentlemen, don't let go until the casket comes to a stop. Ready? One, two, three. Please pick up. Place on the first set of rollers and keep pushing her casket. Yeah, keep pushing, guys. Perfect. Keep pushing, she'll come to a stop. There you go. Beautiful. All right. So family, I'm gonna make my way. I'm gonna stop at the corner of the crematorium so we can walk her there, okay? Thank you, everyone. आपके पहले चली जाइए अभी Thank you.